हेलो बच्चों, अपन पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल, और उसके अंदर अपन ने फर्स्ट मेथड पढ़ा था कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रेट ZnCl2, और उसको अपन ने क्या बोला था, लुकास टेस्ट भी बोल सकते हैं, उसको लुकास रिएजेंट भी बोल सकते हैं, और उसके अंदर प्रोडक्ट कैसा बन रहा था, रेसेनिक मिक्सचर। सेकेंड अपन देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, सॉरी प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल, और यहाँ पर रिएजेंट अपन क्या ले रहे हैं, PCl5। और आपको PCl5 के बारे में ये पता है कि टू फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, गैसियस फॉर्म में एज वेल एज सॉलिड। गैस में तो PCl5 ही रहता है, और सॉलिड के अंदर देखेंगे तो सॉलिड में इस फॉर्म में होता है PCl4+, आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको पढ़ा भी होगा, PCl6- इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखिएगा गैस के केस में और सॉलिड के केस में दोनों में प्रोडक्ट सेम बनता है, लेकिन मैकेनिज्म थोड़ी सी डिफरेंट होती है। देखो अपन एल्कोहल लेंगे, आपने यहाँ पर PCl5 डाला, प्रोडक्ट तो ये बनेगा RCl+POCl3+HCl, ये इसका बाई प्रोडक्ट। आपको याद हो तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि PCl5 और PCl3 में बाई प्रोडक्ट को ध्यान में रखना, मेन प्रोडक्ट तो सेम बनता है। अब देखो, और ये PCl5 क्या हो सकता है, गैस फॉर्म में भी हो सकता हो सॉलिड। पहले मैं गैसियस PCl5 लेकर इसकी मैकेनिज्म बता रहा हूँ, देखिएगा। ये आपके पास में एल्कोहल और ये PCl5, ऐसे दिखा देता हूं, ये PCl5 है, कौन सा है, गैसियस, योगा गैसियस। और आप ये जानते हैं ऑक्सीजन इसके पास बेटा 2 लोन पेयर होता है, और फॉस्फोरस इसके पास से वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल वाला क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल वाला क्या कहता है, कोई भी पास में मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा तो ये वाला क्लोराइड है यहाँ से बाहर निकल जाएगा Ca- की फॉर्म में, कि तुम अपना रखो, हम तो चलते हैं, तुम्हारे पास तो और इलेक्ट्रॉन आ गए, हम अपना इलेक्ट्रॉन लेके चलते हैं। ये हुआ बेटा। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मैकेनिज्म में क्या होता है, पहले मैकेनिज्म बाद में प्रोडक्ट, ऐसा नहीं हुआ है, पहले प्रोडक्ट बनता है उसके बाद में मैकेनिज्म आती है। तो पहले प्रोडक्ट बना इसका, उसके बाद में मैकेनिज्म आई है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ऐसा ही होता है। देखो अब यहां पर भी एक टाइप से आप देखोगे तो OH नेगेटिव हट रहा है और Cl- आ रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। किस टाइप का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN1 या SN2, यहां पे इन दोनों में से ही नहीं होगा, एक तीसरा ही होगा, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SNI भी बोलते हैं। क्या होता है, अब ध्यान दीजिए, तो बेटा अपन ने गैसियस PCl5 लिया, ये एल्कोहल है, तो इसने जैसे यहां पर अटैक किया इसका क्लोराइड बाहर निकला, हम चलते हैं, दुआओं में याद रखना, ये निकला, और इस ऑक्सीजन ने अपने बैलेंस सेल है, इसका इलेक्ट्रॉन है वो इसको डोनेट किया फॉस्फोरस को, तो बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, इस पर क्या आना चाहिए, माइनस, नेगेटिव आना चाहिए इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन लेके तो इसलिए नेगेटिव निकल गया, इसलिए क्या हो गया, न्यूट्रल। फिर से देखिए, इसने वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन दिया इसको, इसलिए ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, यहाँ पे क्लोराइड निकला है Ca- की फॉर्म में निकलेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा प्लस माइनस होकर ये न्यूट्रल होकर। और अब आप ये जानते हो ऑक्सीजन होता है ये तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और O+ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऑक्सीजन से भी ज़्यादा होती है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये पहले क्या करता है, इस हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, कैसे, तो यहाँ से क्या होगा, ये H+ निकलेगा, और ये H+ है ये Cl- आपस में मिलकर क्या निकाल देंगे, बना लेंगे HCl, ये HCl के फॉर्म में निकल जाएगा, आपके पास में क्या होगा, फिर से न्यूट्रल हो गया, हो फिर से न्यूट्रल हो, फिर देखा ये न्यूट्रल हुआ तो 2 लोन पेयर, इसके पास में तो वैकेंट ऑर्बिटल है, ये फिर बोलेगा इलेक्ट्रॉन दे दो, इसने दे दिया, जैसे इलेक्ट्रॉन इसने दिया तो ये क्या कहेगा, हम चलते हैं फिर से,
क्वेश्चन बेटा सिंपल सा है, जैसे ओएच दिया ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्लोराइड अब वो रिमूव हो जाएगा। देखो ये सी एन नेगेटिव के फॉर्म में निकलता, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट आ गया। तो यहां पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन है, ये फॉस्फोरस है, ये सी एल सी एल सी एल, इसने इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बनाएगा, तो इस पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है वो प्लस। तो पहले तो क्या कर रहा था, एच सी इलेक्ट्रॉन खींच रहा था अपना, अब यहां पर एच नहीं है, अब यहां पर क्या प्रेजेंट है, एल का। तो अब ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसके इलेक्ट्रॉन, समझ आए। ओ प्लस स्टेबल नहीं होता, लोन पेयर तो दे देता है, लेकिन फिर क्या करता है, दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींच लेता, पहले से एच प्लस लेकर न्यूट्रल हो गया तो न्यूट्रल होते फिर दे देता है, अब क्या बचा है, एल पे, इससे खींचेगा। जैसे यहां से खींचा तो ये किस फॉर्म में निकल गया, पीओ सी एल थ्री। अब ध्यान देखना यहां पर क्या निकल गया, पीओ सी एल थ्री। और जैसे यहां पर दिया, ये बेटा दो स्टेप में नहीं है, ये रिएक्शन होती है एक ही स्टेप में होती है, बस इसको दिखाने के लिए ऐसे बता रहे हैं। जैसे यहां पर दिया, ये सी एन नेगेटिव सी के आसपास रहता है, ऐसे जैसे ये यहां से इलेक्ट्रॉन खींचा, जैसे यहां पर आर प्लस निकला, तो ये इसका खुद का मॉलिक्यूल है, ये वाला सी एल यहां पर जाकर अटैक कर दिया, क्या बना लिया, आर सी एल। तो इस एक ही मॉलिक्यूल का इस पर अटैक कर रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया अपन ने, इंट्रा मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये क्या हो गए, इंट्रा मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इसको बोल देते हैं एस एन आई, या क्या बोल सकते हो, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामोलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल। और विद इन मॉलिक्यूल होता है, अब ध्यान देना, विद इन मॉलिक्यूल होता है तो वहां पर हमेशा प्रोडक्ट रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगेशन होता है, क्या है, विद इन, विद इन मॉलिक्यूल रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगेशन, रिटेंशन प्रोडक्ट बनता है। बेटा यहां पे देखो इसी मॉलिक्यूल का था, यही था, जैसे ही हटा तो तुरंत यहीं से अटैक करते हैं, ये दो अलग स्टेप नहीं है, एक ही स्टेप है, ये दोबारा से एक्सप्लेन कर रहे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले सोचिए अपन क्या पढ़ रहे, अपन हेलोएल्केन का फॉर्मेशन पढ़ रहे एल्कोहल से, और उसमें रिएजेंट कौन दे रहे, PCl5। PCl5 दो फॉर्म में होता है, गैस और सॉलिड। पहले गैसेस फॉर्म की बात कर रहे हैं, PCl5 ये गैसेस फॉर्म में, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, ये लोन पे अटैक करेगा, क्लोराइड निकल जाएगा, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आया, हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, एच की इलेक्ट्रॉन को खींचा, एच प्लस फॉर्म में निकलेगा तो क्या निकालेगा, एच प्लस और Cl- बनकर HCl निकल गया। फिर ये न्यूट्रल हुआ, फिर इसने लोन पे दिया, फिर क्लोराइड निकला, तो इस पर अब प्लस आया, तो अब ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचे, पहले तो एच था इसके पास में, तो एच से खींच लिया, अब ये किससे खींचेगा, आर से, क्लियर हुआ, अभी आर से। तो जैसे यहां से निकला, ये क्लोराइड है, ये निकलता नहीं, ये पास में रहता, जैसे इलेक्ट्रॉन खींचे तुरंत हटा, ये इधर आ गया। देखो ये क्या होगा, जैसे ही हटा तुरंत ये वाला क्या होगा, ये वाला सीएल पहले यहीं पर जुड़ा रहता है, ऐसे बता सकते हो, तुरंत जुड़ गया, तो जिधर से हटा वहीं तुरंत जुड़ गया, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होता है, तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और विद इन मॉलिक्यूल हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होता है, वहां पर रिटेंशन प्रोडक्ट बनता है, यहां पर कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, नो कार्बोकेटाइन, यहां पर ऐसा नहीं कि आर प्लस बनेगा, ऐसा नहीं है, ये तुरंत हटेगा, ये तुरंत यहां पर आ जाएगा, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाती है, तो यहां पर क्या बन गया, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, क्लियर है। अब देखो तो क्या चीज ध्यान में रखें, देर इज नो कार्बोकेटाइन विद इन मॉलिक्यूल, ऑलवेज रिटेंशन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। अब सॉलिड के केस में देखते हैं, नोट कीजिए इसको, तो प्रोडक्ट आपका क्या बना इसके अंदर, RCl POCl3 और HCl, सॉलिड की ओर बताते हैं, नोट कीजिए इसको, नोट किया, देखो तो आपको ध्यान रखना है, गैसेस PCl5 इस केस में क्या बन गया, रिटेंशन प्रोडक्ट। अब देखो आगे,
सॉलिड PCl5 कहते हैं। सेकंड ले रहे हैं सॉलिड PCl5, और ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? PCl4+ और PCl6-। अब देखो यहां क्या होगा, ये आपका एल्कोहल है, सॉलिड PCl5 में पॉजिटिव किस पे? PCl4 पे, तो ये आता है। PCl4 लोन पेयर ओवरटेक करेगा वैकेंट ऑर्बिटल को, प्लस चार्ज इस पे, तो इसका इलेक्ट्रॉन लेके ये तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। ये प्लस है, इसने लोन पेयर दिया, प्लस और माइनस मिलकर क्या होगा? न्यूट्रल। क्या बन गया? ओ एच PCl4 इसी फॉर्म में रहेगा, लेकिन इसने अपने वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन दिए, तो इस पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है स्टेबल नहीं होगा, तो यहां पे क्या होगा? हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इसलिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अपनी तरफ अटैक करेगा, तो एच के इलेक्ट्रॉन इधर गए, किस फॉर्म में निकला? H+। जैसे H+ की फॉर्म में रिलीज हुआ तो यहां पे क्या बनेगा? R फिर से न्यूट्रल होगा, PCl4 फिर ये न्यूट्रल, इसके पास तो वैकेंट ऑर्बिटल है, फिर ये अटैक करेगा, ये इसके क्या करेगा? वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल वाला क्या कहता है कि दूसरा जो भी पास में मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दे रहे, इसने दे दिया रे। तो देखो जैसे दिया तो आपको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जाते इस पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज है इसमें, और साथ में यहां पे देखो वैलेंसी 5 से ज्यादा होंगे ना, तो ये ऊपर ये क्लोराइड निकलता है, और ये क्लोराइड और ये H+ निकल के क्या बना लेते हैं? HCl। तो क्या बना आपके पास में? PCl3 ये बन गया। ध्यान देना इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। सबसे पहले यहां पर सॉलिड में दो फॉर्म होते हैं, PCl4+ एंड PCl6-। OH में PCl4+, प्लस वाले पे तो अटैक करता ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे जाएगा, प्लस चार्ज आ गया, H+ निकला। सेकेंड स्टेप में फिर क्या होगा? ये लोन पर इस पर अटैक करेगा, तो Cl- निकल गया, Cl- और H+ HCl निकाल देंगे, ये बन गया। अब आगे देखो, अब यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे आपने देखा कि अब इसके पास में H तो है नहीं, तो ये क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, R से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जैसे R से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां पे साथ में क्या प्रेजेंट रहेगा? PCl6 negative इज नथिंग बट PCl5+ Cl-। ये होता है, क्या होगा? PCl5+ Cl-। तो जैसे इसने इलेक्ट्रॉन खींचा अपना, ये खींचा, तो इसमें जैसे ही प्लस चार्ज आएगा तो ये क्या करेगा? इस पर इस डायरेक्शन में अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि फ्रंट साइड में तो ये बल्की ग्रुप आ गया ना, उसमें तो एक ही मॉलिक्यूल का था, इससे पहले में देखा तो एक ही मॉलिक्यूल का, तो यही कोई क्लोरीन था, तो हटा तो इधर से आ गया, इधर वाला तो इधर से आ गया, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होता था तो रिटेंशन है, जैसे हटा उधर से आ जाता है। लेकिन ये तो मॉलिक्यूल अलग हो गया, PCl6- क्या होता है? PCl5+ Cl-, तो इधर बल्की ग्रुप है, तो ये जैसे ही खींचता है इसके इलेक्ट्रॉन खींचता है, इस पर जैसे ही प्लस आने लगता है तो बैक साइड से आकर अटैक कर देता है, अटैक करेगा तो यहाँ पर ये निकलेगा, तो न्यूट्रल होकर क्या बना लेगा? POCl3, और ये बैक साइड से अटैक करके RCl बनाएगा, तो यहां पर बैक साइड से अटैक हो रहा है, और बैक साइड वाला क्या होता है? इन्वर्जन, ये होता है इन्वर्जन। ध्यान दीजिए आपने क्या किया, आपने PCl5 को लिया, एक तो गैसियस को लिया है, दूसरा सॉलिड को। गैसियस में क्या हो रहा था? SnI रिएक्शन हो रहा था, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा था, जैसे ये खींचेगा इसी का क्लोराइड यहां पर अटैक कर गया, कैसा प्रोडक्ट बन रहा था? रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। जबकि इसके केस में आपने देखा, यहां पे देखोगे तो क्या हुआ, यहां पे खींचा तो खुद का ही क्लोराइड नहीं है, ये तो दूसरे मॉलिक्यूल का क्लोराइड है, और ये इधर खींचेगा, जैसे यहां पर प्लस डेवलप होने लगा या बैक साइड से आकर अटैक करेगा, यहां पर भी कार्बन कैटायन नहीं बनता, यहां पर बैक साइड से अटैक होता है, जैसे ही हटना लगता है ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म में करता है, और ट्रांजिशन स्टेट वाला कौन सा होता है? SN2 मैकेनिज्म। तो ध्यान रखना, गैस के अंदर तो क्या थी? SNI मैकेनिज्म, और सॉलिड में क्या है? SN2 मैकेनिज्म। तो आपने यहां पे देखा
PCl5 पर अगर गैस है तब तो क्या बन रहा था, रिटेंशन। और ये जब सॉलिड में है तो क्या बन रहा है, इन्वर्जन, इन्वर्ट प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? यहां पर भी रिटेंशन, इन्वर्जन, ये सब किस केस में होते हैं, जब कार्बन कैसा हो, काइरल कार्बन, वहां पर काइरल कार्बन प्रेजेंट होता है, उस केस में ऐसा होगा। काइरल कार्बन क्या होता है, जिसकी ऑल फोर वैलेंस यार डिफर। देखो क्वेश्चन से करवाते हैं, नोट कर लीजिए इसको। देखो तो क्या ध्यान में रखना है कि जब भी विद इन मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर इस टाइप का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो वहां पर हमेशा क्या होगा, रिटेंशन प्रोडक्ट है ये बनेगा। देखो क्वेश्चन करवा रहे, ये देखो ये काइरल सेंटर होगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री कब लगाते हैं, जब काइरल सेंटर। तो अब यहां पे देखो आपको प्रोडक्ट बताना है, PCl5 ले रखा हो और एक जगह दे रखा हो सॉलिड PCl5। बेटा जब भी सॉलिड आएगा तो उसके पहले नाम लिखा होगा सॉलिड, और उसके पहले सॉलिड गैस कुछ नहीं लिखा तो उसको हमेशा क्या कंसिडर करेंगे अपन, गैस, गैसेस PCl5। तो जब गैसेस PCl5 होता है तो SNI मैकेनिज्म है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ये प्रोडक्ट बनेगा रिटेंशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। सॉलिड होता है तो वहां पर क्या होगा, इन्वर्ट प्रोडक्ट बनता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, क्लियर है? तो ये था रिटेंशन, क्या बन गया, इन्वर्जन। ये सब चीज अपन किसके केस में करेंगे, काइरल सेंटर प्रेजेंट हो तब करना। तो देखो अपन ने क्या पढ़ा है अल्कोहल में, पहला लुकस रिएजेंट से पढ़ा था, कॉन्सेंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 था। तो यहां पे जो प्रोडक्ट था वो रिटेंशन एज वेल एज क्या था, इन्वर्जन, और दोनों बनते हैं तो इसको क्या बोल देते हैं अपन, रेसेमिक मिक्सचर। तो किसका फॉर्मेशन हो रहा था, रेसेमिक मिक्सचर का। ये क्या होता है, लुकस रिएजेंट, ये पहला पढ़ा। ये ध्यान में रखना बेटा, आपको समरी बना के ऐसे लिख लेना, जिसके लिए आपने अलग से नोटबुक बनाई है नेम रिएक्शन के लिए, उसके अंदर ये वाली चीज भी लिखा करो, ठीक है? सेकंड देखो PCl5, और इसमें भी दो केस है, सॉलिड और गैस। पहले गैस को बता रहा, गैस होता है कौन सी रिएक्शन होती है, SnI, जबकि इसके अंदर कौन सी हो रही थी, SN1, इसमें कौन सी हो रही, SnI, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिटेंशन। सेकंड जब सॉलिड लेते हैं अपन तो कौन सी होती है, SN2, और इसमें कौन सा बनता है, इन्वर्जन। तो ये इसका कंक्लूजन, ठीक है? नोट कीजिए इसको, नोट कर लिया। नेक्स्ट देखिएगा, अपने जैसे PCl5 के लिए पढ़ा तो इसमें अपने को साइड प्रोडक्ट ध्यान में रखने हैं, क्योंकि PCl3 और PCl5 में साइड प्रोडक्ट है या बाई प्रोडक्ट है उस पर से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा थर्ड अपन पढ़ेंगे, थर्ड रिएजेंट ले रहे हैं PCl3, तो आपके पास में अल्कोहल है उसके साथ में आपने डाला PCl3, तो यहां पे एल्किल हैलाइड है इसका, तो फॉर्मेशन होगा साथ में बनता है यहां पर H3PO3, फास्फोरस एसिड बनता है। देखो अगर आपके पास में C2H5OH एथेनॉल है और आपने यहां पे PCl3 डाला, तो यहां पे किसका फॉर्मेशन होगा, C2H5Cl प्लस
H3PO3। रिएक्शन को बैलेंस करके लिखते हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बेटा बैलेंस पूछे आते हैं, बैलेंस रिएक्शन। तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 3 बैलेंस हो, तो 3 एल्कोहल लेते हैं तो 3 एल्किल हैलाइड है, इसका फॉर्मेशन होता है। बाई प्रोडक्ट ध्यान में रखना है यहाँ पर, किसका फॉर्मेशन होता है, फॉस्फोरस एसिड। अगर यहाँ पे ये मान लो एथेनॉल है, PCl3 इसकी जगह पर लिया होता PCl5, तो PCl5 है इसकी प्रेजेंस में आपको ये पता है क्या बनेगा, C2H5 Cl प्लस क्या बनाता है, HCl प्लस POCl3। तो ये बाई प्रोडक्ट है, इनको ध्यान में रखना। PCl3 के केस में बाई प्रोडक्ट क्या है, H3PO3। यहां पे बाई प्रोडक्ट क्या है, HCl और POCl3। फिर से आपको बता देते हैं रिएक्शन की मैकेनिज्म बाद में लिखी जाती है, पहले उसका प्रैक्टिकली प्रोडक्ट देखते हैं। तो यहाँ पे प्रैक्टिकली आपने देखा इसका प्रोडक्ट क्या बना, एल्किल हैलाइड और H3PO3। मैकेनिज्म बताते हैं कि किस मैकेनिज्म के थ्रू किस टाइप से इसका फॉर्मेशन हुआ। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है, 3 एल्कोहल लेने पर क्या बनता है, 3 एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन। देखो इसको नोट कर लीजिए, ये ध्यान में रखना है बाई प्रोडक्ट। अब देखो इस बाई प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अपने को मैकेनिज्म बनानी है। आपके पास में ये अल्कोहल, ऑक्सीजन पे 2 लोन पे प्रेजेंट, साथ में प्रेजेंट है PCl3। वैकेंट ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, इस पे अटैक करता है, अटैक करेगा, देखो क्या बना, R O, ये तो H, ये जैसे अटैक करेगा तो यहां पर क्या होगा, सी एल नेगेटिव बाहर निकलता है, तो क्या बन गया, Cl ये बना। ऑक्सीजन ने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको दिया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देने के कारण इस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और यहां से क्या रिमूव हुआ, क्लोराइड, यहां पर क्या निकला, क्लोराइड। अब देखो आगे, अगर यहां पर आप ये सोचो, देखो इससे पहले PCl5 में अपन ने क्या किया था, ये हाइड्रोजन है, इसके इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव है तो एस प्लस निकलेगा, और वो Cl नेगेटिव के साथ मिलकर क्या बना लेगा, HCl। लेकिन क्या बाई प्रोडक्ट में कहीं पर HCl है क्या, नहीं। ये इसकी खूबसूरती है कि पहले अपन प्रोडक्ट को ध्यान में रखना है, उसके अकॉर्डिंग मैकेनिज्म बनानी होती है। तो आपको इसका मतलब ये एस तो निकला नहीं, अगर ये एस निकलता तो बाई प्रोडक्ट HCl बनता, तो इसका मतलब इसने क्या किया है, इसका मतलब इसने ये किया है कि यहाँ पे इस R है उसकी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, R के इलेक्ट्रॉन एल्किल ग्रुप है उसके इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जैसे इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ अटैक करेगा तो बैक साइड से क्या होगा, ये क्लोराइड जाके इस पर अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक होगा, तो क्या बन गया, RCl प्लस, ये इलेक्ट्रॉन लेके ले लिया ले इसका, तो प्लस चार्ज है वो खत्म हो गया, क्या बना, PClClOH ये बना, ठीक है। अब आपको तो ये पता कितने एल्कोहल लेने हैं, 3 एल्कोहल लेने हैं, कितने एल्किल हैलाइड बनेंगे, 3, अभी तो एक ही लिया है, फिर से लो, फिर से आपने लिया ये एल्कोहल, सेम मैकेनिज्म हो गया, क्या बना, क्या था आपके पास में, PClClOH, फिर ये इसके ऊपर अटैक करेगा, फिर क्लोराइड बाहर निकलेगा, फिर से हम होगा, क्या बना, Cl नेगेटिव क्या बनेगा, ROH, ये प्लस PClOH, Cl नेगेटिव। अब यहां पे क्या हुआ, वही चीज है, H तो नहीं निकल सकता क्योंकि बाई प्रोडक्ट में HCl है ही नहीं, इसलिए क्या हो रहा है, इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन को अटैक करना है PCl3 के केस में, और ये क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, क्या बनेगा, RCl प्लस PClOH। आपको कितने एल्कोहल लेने हैं, 3 एल्कोहल एंड 3 एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन करने, तो नेक्स्ट एल्कोहल लिया आपने, नेक्स्ट एल्कोहल क्या आपके पास में, ये बचा हुआ है,
POH OHCl सेम मैकेनिज्म, फिर ये इस पर अटैक करेगा, इधर से क्लोराइड बाहर निकलेगा, क्या हुआ RO+HBOH OH OH, ये हुआ। ऐसे तो निकल नहीं सकता क्योंकि बाई प्रोडक्ट में HCl है ही नहीं, तो इसका मतलब यहां पर एल्किल ग्रुप है, इसके इलेक्ट्रॉन को अटैक करेगा, ये बैक साइड से अटैक करेगा, और बैक साइड से अटैक करता है इसका मतलब कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, रिटेंशन या इन्वर्जन, इन्वर्जन बन गया, SN2 टाइप की मैकेनिज्म है, तो क्या बना RCl, ये Cl निकला है, सॉरी, तो क्या बना POH OH OH। अब इसको देखोगे ना, ये बन गया H3PO3। रियल में इसकी ये स्ट्रक्चर नहीं होती, यहाँ पर रीअरेंज होता है, ये टॉटमेरिज्म शो करता है, ये H इधर आएगा, ये ऑक्सीजन इधर बॉन्ड बना लेता है, ऐसा बनता है P डबल बॉन्ड O। जब भी फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड होता है तो वहाँ पर P डबल बॉन्ड O बनाना मस्ट होता है, टॉटमेरिज्म से रीअरेंज होके ये स्ट्रक्चर बनती है, स्ट्रक्चर भी बता देता, ये स्ट्रक्चर बनती है, क्लियर है। दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, PCl3 इसके केस में बाई प्रोडक्ट ध्यान रखना H3PO3। PCl5 के केस में क्या बन रहे थे, वहां पर POCl3 बन रहा था, HCl बन रहा था, तो यहां पे HCl नहीं, इसका मतलब ये हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑक्सीजन इसने फॉस्फोरस पे अटैक किया, बॉन्ड बना लिया इसके साथ में, जैसे बॉन्ड बनाए तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन गए, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, इधर ये क्या होगा Cl नेगेटिव निकलता है, अटैक करता है, जैसे इसके इलेक्ट्रॉन लगा तो ये बोलता है ठीक है इसको रखो, मैं अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलता हूँ, तो क्लोराइड फॉर्म में निकलेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। तो ये वाली कितनी बार रिपीट हो रही है, 3 बार रिपीट हो रही है, और प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बनेगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा, नोट कीजिए। देखो नेक्स्ट, ये वाली प्रोसेस जैसे अपने PCl3 के लिए लिया, ऐसे PBr3 PI3 इसके लिए ले सकते हैं क्या, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाली प्रोसेस PBr3 एंड PI3 इसके लिए बना सकते हैं क्या, पहले आपको बताइए, इस फॉर्म में प्रेजेंट होता ही नहीं, PBr3 या PI3 है ये बनते ही नहीं, ये तुरंत बनते हैं, इमीडिएट बनते हैं, इन सीटू बोलते हैं जिसको, ये इस फॉर्म में होता है P+Br2 या P+I2, ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, PBr3 की तरह, ये PBr3 की तरह, कैसा, इन सीटू, तुरंत इनको डाला, ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, PBr3, तो कहीं पर ऐसा लिखा हो ROH वही 3 और P+Br2, तो इन सीटू, तो यहाँ पे क्या बना लेगा, ये भी PBr3 की तरह बिहेव करता है और क्या बनाता है, P3mol RBr+H3PO3, ऐसे ही OH इन सीटू में P+I2, PI3 नहीं होता, ये PI3 की तरह बिहेव कर सकता है, तो क्या बनेगा 3 alkyl hydride और H3PO3, ये फॉर्म होता है, क्लियर हुआ, नोट कीजिए इसको भी। तो अपन ने पहले किससे पढ़ा था, एल्कोहल को देखा, तो पहला अपन ने क्या लिया था, लुकास मेथड लिया था, सेकंड PCl5 का देखा, वहां पर गैसीय स्टेट में देखा और सॉलिड स्टेट में देखा, थर्ड अपन ने PCl3 के लिए लिखा, फोर्थ एल्कोहल के बनाने का मेथड कौन सा था, SOCl2 के साथ में, और उसका नाम था डार्चन मेथड, नोट कर लिए, तो नेक्स्ट लिखेंगे डार्चन मेथड, लिखो डार्चन मेथड।
डार्जन मेथड। फोर्थ, और इसमें किसके साथ में होता है? SOCl2। और ये इन सब के अंदर बेस्ट मेथड होता है, इन सब का सब में बेस्ट मेथड। क्यों बेस्ट मेथड है उसका भी रीजन बता रहे। देखो ये आपके पास में एल्कोहल है, आपने इसकी रिएक्शन करवाई SOCl2 के साथ, तो यहां पर फॉर्मेशन होता है एल्किल हैलाइड प्लस SO2, ये गैस फॉर्म में होती है, हट जाती है, साथ में HCl गैस बनेगी, ये रिमूव होगी तो आपका RCl प्योर बनेगा। और आपको ये पता गैसेस फॉर्म में हटेगा तो रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाती है, तो तुरंत इसका फॉर्मेशन होता है। क्यों बढ़ जाती है रेट ऑफ रिएक्शन? लीचटेले प्रिंसिपल में क्या बोला गया था, जिस साइड से आप हटाते हो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट उस साइड में रेट शिफ्ट होती है, तो आप प्रोडक्ट की साइड में हटा रहे हो, हट रहा है, तो रिएक्शन की साइड में जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो फास्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी भी मैकेनिज्म देखते हैं, इसके मैकेनिज्म देखते हैं। देखो वही सेम मेथड, ये इसका लोन पेयर किस पे अटैक करना चाहेगा, सल्फर के वेकेंट ऑर्बिट, और इन दोनों में ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इधर साइड में टेक करेगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, तो क्या बना, ये भी इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा, तो क्या बन गया आपके पास में आर ओ एच एस ओ नेगेटिव सी एल सी एल, इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर ये वाला देखो HCl बनाने, इसका मतलब एच तो निकलेगा यहां से, ये तो ना पहले प्रोडक्ट बनता है उसके बाद मैकेनिज्म आती है। अब देखो यहां पे ये इसके इलेक्ट्रॉन लेगा न्यूट्रल होने के लिए, जैसे न्यूट्रल होने के लिए इलेक्ट्रॉन लेगा तो इधर ये एच प्लस की फॉर्म में निकलेगा, ये भी अपना डबल बॉन्ड कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, तो ये किस फॉर्म में निकलेगा, Cl नेगेटिव। तो देखो क्या हुआ, ये एच प्लस की फॉर्म में निकला, ये Cl माइनस, तो इस पे क्या आएगा प्लस, प्लस और माइनस मिलकर बॉन्ड बना लिया, तो यहां पे क्या निकल गया HCl, ये देखो एच प्लस की फॉर्म में निकल गया, इलेक्ट्रॉन देखे निकला, तो ये न्यूट्रल हो गया ऑक्सीजन, ये सल्फर है, जैसे क्लोराइड निकलेगा इस पे माइनस है तो इस पे क्या आएगा प्लस, प्लस और माइनस मिलकर बॉन्ड बना लिया ओ सी एल, ये बन गया, समझ में आगे देखो। फिर इसके पास में आपको पता है लोन पेयर है, जैसे न्यूट्रल होता है फिर जिसके इसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, फिर इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा, जैसे इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पर ये क्या होगा ओ नेगेटिव फॉर्म में चला जाएगा, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने का, इसको मैं इधर से बना रहा हूँ, ये जैसे अपना लोन पेयर इसको दिया मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, किसका फॉर्मेशन होगा आर O S O नेगेटिव और Cl, और इस पर कौन सा चार्ज आ गया, ये बॉन्ड बना लेगा, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव, क्लियर है, तो ये प्लस आएगा, तो अब ये क्या करेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अब S तो है नहीं तो एल्किल ग्रुप है उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी कि मेरे को दो इलेक्ट्रॉन, इधर गए इलेक्ट्रॉन, तो इधर से क्या होगा इस पे प्लस आएगा, ये डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, ये डबल बॉन्ड बनाता है तो इधर से क्या होता है सी नेगेटिव बाहर निकलता है, जैसे ही बाहर निकलेगा तो तुरंत क्या करेगा इसके ऊपर अटैक करेगा, याद करो जहां से निकला एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है, और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होता है तो क्या होता है SNI, तो यहां पर और SNI में क्या होता है रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, तो जैसे ही हटा तो इसी का ही तुरंत जाके यहां पर जुड़ेगा, यानी RCl बनेगा, साथ में क्या बन गया SO2 गैस, तो यहां पे ये क्या हुआ है रिटेंशन, ये बना रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, मैकेनिज्म कौन सी होगी SNI इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्लियर हुआ, फिर से बता देता हूं बेटा डार्जन मेथड होता सबसे बेस्ट मेथड है एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन का, बेस्ट मेथड क्यों है, क्योंकि यहां पर गैसियस बाई प्रोडक्ट बनते हैं जो रिलीज हो जाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन भी हाई होगी, मैकेनिज्म फिर सेम, ऑक्सीजन अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पर एच के इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो यहाँ पर साथ में क्या निकलेगा सी एल नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड बना लेगा, एच सी एल निकल गए एक बाई प्रोडक्ट, फिर क्या होगा
SO2 निकलना, अभी एल्किल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इधर से क्या होगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, तो HCl नेगेटिव की फॉर्म में और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होगा, विद इन ए मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल। बताया था आपको क्या होता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इसी को क्या बोल देते हैं, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये था आपका मेथड जिसके थ्रू अपन एल्कोहल से एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। देखो कौन कौन से मेथड पढ़े अपन ने, उनको ध्यान में रखना आपको। फर्स्ट कौन सा था, कंक्लूजन बता रहे, रिएक्शन जहां पर लिखते हो आप उस वाली कॉपी में ये भी लिखना है, क्या था, कॉन्सेंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, लुकास रिएजेंट क्या बनता है, इंटरमीडिएट क्या बन रहा था, कार्बोकेट है, कार्बोकेट है, इंटरमीडिएट बनता है। और यहां पे दोनों टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, SN1 मैकेनिज्म थे, रिटेंशन प्लस इन्वर्जन। सेकंड आपका रिएजेंट था PCl5, ये दो फॉर्म में था, गैसियस फॉर्म में, और सेकंड कौन सा था, सॉलिड। गैसियस में कौन सी थी, SNI मैकेनिज्म, और SNI क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर, एक ही मॉलिक्यूल में, और एक ही मॉलिक्यूल में होता तो वहां पे रिटेंशन होगा, रिटेंशन। सॉलिड में होता तो क्या होगा, इन्वर्जन। ठीक है, PCl3 में क्या होता है, इनके बाई प्रोडक्ट ध्यान में रखना है, इसके बाई प्रोडक्ट क्या थे, POCl3 और HCl, इसमें क्या था, S3PO3। कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू होता है, यहां पर भी क्या होता है, SN2, इसके अंदर भी कौन सी होगी, SN2, SN2 में क्या होगा, इन्वर्जन। फोर्थ डार्जन प्रोसेस, इसके अंदर कौन सी होगी, SNI, और SNI के अंदर क्या होता है, रिटेंशन। तो ये था बेटा एल्कोहल से एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, आपका कंक्लूजन बताया, इन सबको आप ध्यान रखना है, और आपकी जो रिएक्शन अलग से कॉपी बना रखी है उसके अंदर भी इसको नोट कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।